मन की बातें मन ही जाने, तो बुद्धि की बातें कौन जाने। बुद्धि बेचारा बड़ा सफ़र करे है, क्योंकि उसे तो मन को भी जानना है और खुद को भी जानना है। तो आज के इस वीडियो में हम मन और बुद्धि को गहराई से समझेंगे। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति नामक इस किताब को हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड और या अवचेतन मन को समझकर उसका सही फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जाने अनजाने ये अवचेतन मन हमारा गलत फायदा उठा रहा है और हमें हमारी लाइफ में सफर करा रहा है। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धरवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ बातें करते हैं रिलेशनशिप इश्यूज, बिहेवियरल साइकोलॉजी और हीलिंग साइंस के बारे में, जिन्हें सीखकर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। और इसलिए आपको इस चैनल को कल मैंने ये किताब ख़त्म करी जिसका नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी की ये बुक है, जिसे पढ़कर मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने इसका हिंदी वर्जन पढ़ा, अवचेतन मन की शक्ति। अब भैया, हम ठहरे इंडियन आदमी, देसी लोग, समझ में तो हिंदी ही आती है, चाहे कितना ही पढ़ लिख लिए, डॉक्टर बन गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन फील आता है हिंदी में। तो मैंने इस इंग्लिश बुक के साथ साथ मैंने ये हिंदी बुक भी खरीद ली, और अक्सर मैं ऐसा करता हूँ, जब भी कोई इंग्लिश बुक मैंने खरीदता हूँ ना, वो मुझे समझ में नहीं आता, उसका हिंदी वर्जन खरीद लेता हूँ और उसको चाट लेता हूँ। तो इन दोनों किताबों को पढ़ने, समझने और चाट कर घोल कर पी जाने के बाद मुझे कुछ गहरी बातें समझ में आई हैं, जो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। और वो गहरी बात ये है कि अवचेतन मन बड़ा ही शक्तिशाली है। अवचेतन मन के पास आपके पूरे समझ का 90% है और चेतन मन के पास सिर्फ 10% है। अब थोड़ा इसको अपन क्लियर कर लेते हैं। चेतन मन कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड, और इसके ऊपर होता है अचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड, जो कि समाधि की अवस्था हो सकती है, बेहोशी की अवस्था हो सकती है, या कोमा जैसी अवस्था भी हो सकती है। इसे हम समाधि का नाम लेंगे ताकि ये हमें समझने में ज़्यादा आसान हो कि जब कोई समाधि में पहुंचता है तब अचेतन हो पाता है, मतलब अपने सुपर कॉन्शियस स्टेज में जब पहुंचता है तो कहीं ना कहीं अचेतन हो जाता है, अनकॉन्शियस तकरीबन अनकॉन्शियस होता है। तो ये पिरामिड आप समझ चुके हैं, ट्रायंगल आप समझ चुके हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ठीक है। तो आपकी पूरी जो ज़िंदगी है, सबकॉन्शियस माइंड मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर रहा होता है, ऑपरेट कर रहा होता है, जैसे कि आपका पैदल चलना, सांस लेना, कुछ यूं ही ऑटो पायलट मोड में काम करना, जैसे गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना, चलाना मोबाइल को यूं ही कुछ कुछ स्क्रॉल करना, टीवी ऑपरेट करना, किचन की सफाई करना, बर्तन मारना, खाना बना लेना, मतलब जो चीज़ों को आपको करने की आदत पड़ चुकी है वो सारे काम और चेतन मन कर लेता है। चेतन मन कब काम करता है? जब उसे कोई चीज़ सीखना होता है, जैसे कि आप अपनी पहली बार जब कोई गाड़ी चलाना सीखे होगे, साइकिल, स्कूटर, बाइक, कार, तब आपको कितना मुश्किल हुआ, कोई सॉफ्टवेयर को जब सीखे होगे, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल या कोई डिवाइस चलाना सीखे होगे, तब आपको चेतन मन का काम हुआ है, हुआ होगा, क्योंकि सीखना है यार, फोकस करना है, समझना है, तब आपको आपका कॉन्शियस माइंड आपको एक्टिव होकर वो काम करता है, क्योंकि ये एक्चुअली लॉजिकल होता है, समझदार होता है, जेंटलमैन होता है, ये अनलॉजिकल होता है, बेवकूफ़ होता है, छोटे बच्चों की तरह होता है, इसे बेवकूफ़ भी बनाया जा सकता है, और ये एक्चुअली मन का ही रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब जो आपका मन करता है वो ये चीज़ उसको करा देता है। तो अब आप समझ चुके हैं कि इसके हाथ में पावर कम है, लेकिन ये जेंटलमैन आदमी है, आप इसके ऊपर कुछ भी नहीं थोप सकते, क्योंकि आप इसके सामने कुछ भी लेकर आओगे, जैसे आप कोई भी बात कहते हो कि आप उसे समझाने की कोशिश करते हो कि आज से मैं अमीर आदमी हूँ, तो तुरंत ये बंदा आएगा और बोलेगा, तू अमीर आदमी तो तेरे पैसे किधर हैं, कर्जा क्यों है, अच्छे से खर्चा पूरा क्यों नहीं हो रहा है, इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं पड़ रहे, ये आके बीच में आके भांजी मारेगा। आप अपने, अगर आप बीमार चल रहे हो और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात डालने की कोशिश कर रहे हो कि अब मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ओके हो रहा हूँ, मैं एकदम स्वस्थ होता जा रहा हूँ, ये बीच में आएगा और बोलेगा, भाई अगर तू इतना ओके हो रहा है, इतना स्वस्थ हो रहा है, तो इतनी दवाइयाँ क्यों खा रहा है, हॉस्पिटल के चक्कर क्यों काट रहा है। तो इस तरह से आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड का पहरेदार बन के हमेशा रहता है। लेकिन यहाँ पे गलती क्या हो रही है? सबकॉन्शियस माइंड का ये पहरेदार जरूर है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड अपनी मनमानी करता है। समझ लो कि ये बॉडीगार्ड है कॉन्शियस माइंड, और ये एक राजकुमार है।
राजकुमार कुछ भी अपने मन का करता है तो बॉडीगार्ड उसको रोक नहीं पाता। वो बाहर से आने वाली चीज़ों को ज़रूर रोक सकता लेकिन राजकुमार को नहीं रोक सकता, क्योंकि ये बेचारा जो आपका कॉन्शियस माइंड है, ये बेचारा सिर्फ उसका बॉडीगार्ड है। तो इसको मैनिपुलेट करने के लिए आपको बॉडीगार्ड को सुलाना होगा। अभी सुलाना कब होता है मैं बता रहा हूँ। पहला, हिप्नोथेरेपी। जब किसी को आप हिप्नोटाइज करते हो या खुद को सेल्फ हिप्नोसिस के दौर में ले जा करके आप उस प्रोसेस को अप्लाई करते हुए कॉन्शियस माइंड को सुलाते हो, तब सबकॉन्शियस माइंड को कोई सजेशन देते हो जिससे वो सजेशन को फॉलो करता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि जब आप सो रहे वाले हो, खुद रात के टाइम जब सोने वाले हो, रात की नींद में सोने वाले हो, तो आखिरी का जो 5 मिनट होता है वो टाइम होता है जब कॉन्शियस माइंड तकरीबन सो चुका होता है, और उस टाइम अगर आप कोई भी बात सबकॉन्शियस माइंड से कहते हो तो सबकॉन्शियस माइंड उस बात को मान लेता है, क्योंकि उसको बॉडीगार्ड नहीं है, अटैक करने वाला नहीं है, टैली करने वाला नहीं है, तो वो मान लेता है। तीसरा टाइम होता है सुबह के उठने के बाद का 20 मिनट। जो उठने के बाद का जो पहला 20 मिनट होता है ना दोस्त, ये आपकी लाइफ का जादुई टाइम होता है। उस टाइम पे जो भी इनपुट डालोगे आपका पूरा दिन उसी थॉट के साथ मैनिपुलेट होगा। चौथा टाइम होता है जब आप ध्यान किए हो, तो जब एकदम ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हो तब आप अपने कॉन्शियस माइंड को साइड करके, बाईपास करके सब कॉन्शियस में कोई चीज़ प्रोग्राम कर सकते हो। और पांचवा तरीका है अफर्मेशन। अगर कोई बात को आप बार बार रिपीटेड फॉर्म में बोल रहे हो, कि अगर आप 100 बार, 150 बार, 300 बार, 500 बार, 800 बार, 1000 बार अगर कोई बात को रोज़ दोहरा रहे हो कि मैं फिट हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं रिच होता जा रहा हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, ये अगर अच्छे अच्छे अफर्मेशन आप अपने आप को बार बार देने लगोगे तो एक टाइम आएगा जब कॉन्शियस माइंड खुद ही हट जाएगा, बोलेगा भाई इतने बार आ रहा है तो सही छोगा आन देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में बात घुस जाएगी। तो कुल मिला के बात ये है कि सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई भी बात पेस्ट हो जाए तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में होने लग जाती है, क्योंकि आपके शरीर के जो सारे कोशिकाएं हैं, सारे सेल्स हैं, उनमें अपनी एक सब ब्रेन होता है, मतलब एक ब्रेन का छोटा वाला ब्रेन होता है। इसको कुछ ऐसा समझो ब्रो कि सेल फोन्स जो होते हैं, पूरी दुनिया में जितने सेल फोन्स फैले हुए उनको ऑपरेट कौन करता है? सैटेलाइट। सैटेलाइट हो गया मदर ब्रेन, वैसे ही आपका जो ये सबकॉन्शियस माइंड है ये हो गया मदर ब्रेन, उसका पहरेदार हो गया कॉन्शियस माइंड। अगर इन लोगों के साथ मिलकर आपने कुछ काम कर दिया तो पूरे जो सेल फोन्स हैं, जो सारे के सारे कोशिकाएं हैं, वो इसके कमांड को फॉलो करेंगे। आपका बॉडी लैंग्वेज वैसा हो जाएगा, आपका सोचने का तरीका वैसा हो जाएगा, आपके डिसीजन पावर वैसे हो जाएंगे जैसा कि सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है। अभी सपोज आपके दिमाग में किसी ने ये बात डाल दी कि भैया उस रास्ते पे मैं कल गया था, वहाँ मैंने सांप देखा। समझ रहे हो? अब देखा, सांप बोलते हैं, आपके दिमाग में सांप का इमेजिनेशन आ गया। ये है पावर सबकॉन्शियस माइंड का। तो कर उसको छोड़ो, मैं असली बात बता रहा हूँ कि आपको किसी ने बता दिया कि उस रास्ते में सांप देखा, तो अगले 4-5 दिनों तक आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस रास्ते में जाने से या तो मना करेगा, या जब भी आप जाओगे एकदम चौकन्ने होकर के जाओगे कि भाई यहाँ मैंने सांप, किसी ने बताया है कि यहाँ सांप देखा था। कोई बोल दे कि फलाने जगह पे मैंने भूत देखा था, और अगर आपके दिमाग में वो बात बैठ गई तो हो सकता है आपको वो भूत दिख ही जाए, आप डर के रहोगे, उस तरफ जाओगे नहीं। कोई आपको ये बता दे, अगर किसी पार्टी में आप गए हो और 2-3 लोग अगर आके आपको बोल दे कैसे बीमार दिख रहा है यार, कैसे डाउन दिख रहा है यार, तबीयत खराब थी, कैसे दुबला दिख रहा है यार, आपका कॉन्फिडेंस खत्म, आप सही में बीमार फील करना शुरू कर दोगे, आपका सही में आपका ग्लो खत्म हो जाएगा, चाहे कितना भी मेकअप की हो। इस पर प्रॉपर रिसर्च हो चुका है, साइकोलॉजिकल रिसर्च है, प्रूफ है कि एक पार्टी में 6 लोगों ने एक इंसान को इस तरह की बातें कही और वो डाउन हो गया, और उसी 6 लोगों ने किसी अनदर बंदे को उसका उल्टा कहा कि भाई आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो, आज बड़े स्मार्ट लग रहे हो, आज बड़े डैशिंग लग रहे हो, उसका कॉन्फिडेंस 30 मार खाने वाला था एकदम। वो वाला जो पोज है ना अमीरों की स्कीम, राजू अक्षय कुमार वाला, ऐसा वाला वैसा हो गया था। तो ये एकदम फैक्ट है ब्रो कि सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप जो स्टोरी सुनाते हो, जो कहानी आप अपने आप को बार बार बताते हो, आपका सबकॉन्शियस उस पर बिलीव करने लगता है और वैसे ही आपकी लाइफस्टाइल हो जाती है। तो मैंने कुछ तरीके आपको बताया कि कैसे आप सबकॉन्शियस माइंड को अपने जाल में फंसा सकते हो। हैक करना, कंट्रोल करना ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं यही बोलूँगा कि अपने जाल में फंसा कैसे सकते हो, कैसे आप अच्छी चीज़ों के लिए अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हो। हर कोई अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है दोस्त, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकते, नहीं निकलना चाहते, तो क्यों ना अपने कंफर्ट जोन को ही थोड़ा एक्सपैंड कर दिया जाए। यू नो,
5 बजे उठकर जिम जाना कुछ लोगों का कंफर्ट जोन है। अगर वो जिम 5 बजे उठ के जिम ना जाए तो उनको मजा नहीं आता, अजीब सा लगने लगता है पूरा दिन, वो गिल्ट फील करते हैं। उनका कंफर्ट जोन ही है कि वो 5 बजे उठ के जिम जाए। कुछ ऐसे लोग हैं जो दिन के 2-3 घंटे अगर बुक रीड ना करें तो उनको अजीब सी हलचल मचने लगती है, अजीब सा मतलब कहीं अगर घूमने गए कि शादी पार्टी में चले गए हैं 1-2 दिन के लिए और किताब पढ़ने नहीं मिल रहा है तो उनको अजीब सा लगने लगता है। ये उनका कंफर्ट जोन बन चुका है। तो कंफर्ट जोन की थ्योरी क्या है? कुछ नहीं, आप बस उसे एक्सपेंड करो। आप एक ही चीज़ को बार बार करते हो तो वो आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो आपके हैबिट में कन्वर्ट हो गया वो आपका कंफर्ट जोन बन जाता है। तो आई होप कि आपको इस किताब की ये समरी पसंद आई होगी। मैंने मोटा मोटा आपको बात बता दिया है। सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए, हैक करने के लिए और भी बहुत सारे वीडियोस बनेंगे। अपने रिलेशनशिप को अपने सबकॉन्शियस के थ्रू बहुत अच्छा कैसे कर सकते हो, इस पर मैं कुछ आने वाले टाइम में बढ़िया वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते रहेंगे आने वाले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्ते।